दोस्तों, तो आज एक छोटा सा कंपैरिजन बना रहा हूँ डायना स्टॉर्म राइडर और मेरी FX मैवरिक की पावर में। सो दोनों ही 177 हैं और ये पैरेट है जो यूज़ करेंगे, HN बैराकूडा, बहुत अच्छी पैरेट है। सो द टारगेट जिस पे मैं फायर करूँगा, सो ये है वो टारगेट जिस पे मैं फायर करूँगा। ये काफ़ी थिक पाइप है, नॉर्मली ये सारे के सारे डायना स्टॉर्म राइडर से ही हुए हैं और यूजुअली एक शॉट में इसको पंच थ्रू नहीं कर पाती, वो कर जाती है यूजुअली। लेट्स सी हाउ पावरफुल डायना स्टॉर्म राइडर इज कंपैरेटिवली टू दिस एंड FX मैवरिक एज वेल। लेट्स सी। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट हम ट्राई करेंगे डायना स्टॉर्म राइडर। लेट्स सी, आई एम शूटिंग फ्रॉम 10 यार्ड्स। ओके, सो ये था डायना का शॉट, बहुत क्लीन है, बोले दूसरी साइड से नहीं निकला, जस्ट यहाँ से एंटर किया और ये वो पैरट अंदर पड़ा हुआ उसके। ये रहा पैरट। तो अभी हम ट्राई करेंगे विथ FX मैवरिक। ओके गाइस, सो नाउ आई विल बी शूटिंग विथ FX मैवरिक और टारगेट पॉइंट वो सेम ही रहेगा यहाँ पे अराउंड। सो FX मैवरिक ने भी यहीं पे शूट किया है। ओके, नोप, इसने भी बार नहीं किया, ओनली वन होल। हाँ, पैलेट का हाल ज़रूर बदल गया है इससे, बहुत ज़्यादा पावर से शूट किया है इसने। सो ओके गाइस, सो ये था दोनों का शूटिंग टेस्ट। बट एक चीज़ देखने वाली यहाँ पे कि जो ये डायना ने पैलेट चलाई, डायना से पैलेट चलाई है, उसमें पावर की में भी फर्क की वजह से पैलेट का शेप ये चेंज हो गया है। बट वेयर एज से चलाई थी वो तो पूरी की पूरी श्रेड हो गई है पैलेट। सो पावर में फ़र्क तो है डेफिनेटली, बट सिंस बोथ आर 4.5 mm, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा।